रखना, मैं बार बार एक ही बात को कहता हूं कि जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन को दो बार तीन बार पढ़ना चाहिए, और यदि आप दो बार तीन बार जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपकी जो है प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होने लगती है, आपको रास्ता दिखाई देने लगता है। तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में एक डायगोनल दिया गया है, नेम लिख देते हैं ए बी सी डी, दिस इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड स्टूडेंट्स। अब इसमें हेयर इज शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू एक्स, हमने शॉर्टेस्ट साइड यहां पर लिख दिया एक्स। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इज अ डायगोनल, ए सी इज अ डायगोनल विच इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, सो ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 60। नाउ स्टूडेंट्स इफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड इज बी सी, बी सी इज इक्वल टू इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड एक्स प्लस 30। ध्यान से सुने, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि उसकी डायगोनल उसके शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर ज्यादा है और उसकी लॉन्गेस्ट साइड उसके शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देखते हैं, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में ईच एंगल इज अ 90 डिग्री, यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज अ हाइपोटेनियस, ए बी, ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी, बी सी इज बेस। सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल थ्री वैल्यू इन दिस रिलेशन ए सी एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए बी, ए बी इज एक्स एंड बी सी इज एक्स प्लस 30 एंड डायगोनल इज एक्स प्लस 60। सो ए बी एक्स स्क्वायर बी सी एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। स्टूडेंट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास जो दो परफेक्ट स्क्वायर है इनको हम जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम इसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30। सो स्टूडेंट्स दिस इज अ एक्सटेंशन, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। सो हम इन सब को लेफ्ट हैंड साइड की सभी वैल्यू को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स इंप्लाइज दैट यहां पर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हियर इज प्लस 60x माइनस 120x एंड प्लस 900 माइनस 3600। सो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस
2700 is equal to 0. This is a quadratic equation, students. So now we have to solve this quadratic equation. मल्टीप्लाई करने पर 2700 एंड माइनस करने पर वैल्यू हमारी आनी चाहिए 60, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 90 × 30. तो हियर इज बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग माइनस 90 माइनस 30 एक्स 2700 इक्वल टू 0 x square minus 90x plus 30x minus 2700 equal to 0. So here is taking common x. Students, x minus 90, taking common 30. So students, x minus 90 is equal to 0. x minus 90 is a common factor, or x plus 30 is equal to 0. If x minus 90 is equal to 0, x plus 30 equal to 0, x is equal to 90, x is equal to minus 30. It is not possible. So shortest side is equal to 90, and so AB is equal to 90, BC is equal to 90 plus 30, that is equal to 120, and AC is equal to 90 plus 60 is equal to 150 centimeter. So students, here is meter. So students, this is your required answer. Now we have to say, in a triangle ABC, if B is a 90 degree, applying Pythagoras theorem, and according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, substituting all three value in this relation and get a quadratic equation, which is x square minus 60x minus 2700. हम सबसे पहले इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. मल्टीप्लाई करने पर 2700 दैट इज 2700 एंड सबट्रैक्ट करने पर वैल्यू 60 आई. तो 90 इनटू 30 दैट इज इक्वल टू 2700. 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60. बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वी गेट टू वैल्यू ऑफ x. First value is 90 and second value is minus 30. If we know that our side of the triangle is negative, not possible, so minus 30 is not possible. So required length of shortest side is 90 meter, and here is shortest side 90 meter. AB 90, BC 120, AC 150 is the required relation. Now students, next one is question number 7 is your homework. Question number 8 is your current question. Students, question number 7, क्योंकि आप यहां पर वीडियो देखते हुए केवल आप वीडियो देखें, क्वेश्चन को सॉल्व न करें, वो कुछ बात जमती नहीं है. अतः इसलिए एक क्वेश्चन मैं यहां पर सॉल्व करा रहा हूं, जस्ट उसके बाद का एक अल्टरनेट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, ताकि इसके बेस पर आप खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और इसे सॉल्व करें. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. सो इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर अ सेम जर्नी
फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें ये फाइंड करना है कि ये ट्रेन की स्पीड क्या होगी। सो स्टूडेंट्स लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड फर्स्ट t1 इज इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन x। अगेन नेक्स्ट टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन मोर x प्लस 5। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि यदि हमारा ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसमें लगने वाला समय, और यदि हम उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर हम बढ़ा देते हैं तो लगने वाला समय, दोनों समय के बीच का डिफरेंस इज 1 आवर। सो हम जानते हैं हियर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ आर सेम, डिनोमिनेटर x इज लेस देन x प्लस 5, so this quantity is smaller, this quantity is larger. So according to question, t1 minus t2 is equal to 1, t1 is 360 upon x minus 360 upon x plus 5 is equal to 1 implies that. अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट x प्लस 5 एंड हियर इज इक्वल टू 1 अपॉन 360 फर्स्ट x प्लस 5 माइनस x। स्टूडेंट्स हमने इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज किया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 5 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 इज x इज इक्वल टू 1 बाई 360। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज नेक्स्ट वन, फर्स्ट Here is x से x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, so students 5 into 360 is equal to x square plus 5x। so students इसे भी हम उधर ले जाएंगे तो न्यू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 5x minus 0 0 1 8 that is equal to 0। Now students next one is, here is one more thing, multiply करने पर इसे हम middle term splitting से solve करेंगे, multiply करने पर ये हमें जो है 1800 find हो and minus करने पर हमें 5 मिलना चाहिए, तो दैट नंबर इज 45 एंड 40। सो x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, so taking common x, x plus 45 taking common 40 that is equal to x plus 45 is equal to 0, x plus 45 both are common factor,
एक्स प्लस 45 एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स प्लस 45 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 40 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 45, एक्स इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर नॉट पॉसिबल. स्टूडेंट्स यहां हमने देखा कि ये वैल्यू हमारे पास जो दी गई है, ये वैल्यू यहां पर किसी भी ट्रेन की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती. अतः हम यहां पर देख रहे हैं कि ये माइनस 45 पॉसिबल नहीं है. सो एक्स इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उस हमारे ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हमारी है 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस प्रकार से फर्स्ट एक बार रिवाइज कर देते हैं. 360 किलोमीटर चलने में ट्रेन को यूनिफॉर्म स्पीड से जब ट्रेन चल रही है, तो यदि हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर हम बढ़ा देते हैं, यानी स्पीड बढ़ा दिया जाता है, तो टाइम हमारा कम लगता है. वो कम टाइम कितना होता है? वो कम टाइम होता है आपका 1 आवर का. तो स्टूडेंट्स हमने बारी बारी से दोनों का हमने टाइम निकाला है. बिना बढ़ाए हमारे पास ट्रेन के टाइम और स्पीड बढ़ाने के बाद ट्रेन के टाइम. अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइम्स T1 माइनस T2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T1 T2 इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वैल्यू 45 एंड 40, गेट टू फैक्टर x plus 45 x minus 40. सो x plus 45 equal to 0 and x minus 40 equal to 0. टू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू minus 45 एंड plus 40. minus 45 नॉट पॉसिबल, plus 40 ओनली इज योर रिक्वायर्ड स्पीड. नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10.